जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है राजस्थान नगर पालिका सीधी भर्ती 2023। जी हां साथियों, इसमें क्या खबर आई है? ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है दोस्तों। किस चीज का है साहब? अरे ये आपके पद भट गए हैं, 25,000 के लगभग पद हो गए हैं नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती में। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ा फैसला है, बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही गुड न्यूज है दोस्तों आपके लिए। जो सफाई कर्मचारी भर्ती थी उसमें पहले कितने पद था? 13,184 पद थे कि नहीं थे? लेकिन अब उसको बढ़ा करके कितने कर दिए हैं? 25,000 के लगभग पद हो चुके हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। नगर निकायों में पद बढ़ चुके हैं साथियों, पहले जो पद थे उनमें और बढ़ गए हैं, अब उसी की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखा दूंगा, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बांसुर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम तुमसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से तुम्हारे साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसुर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, नगर पालिका सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती 2023, 25,000 पदों पर होगी भर्ती। पद आपके भर चुके हैं, कोई समस्या नहीं है, आराम से अब बढ़िया मौज होगी आपकी। पहले कितने? 176 नगरीय निकाय में, पहले 176 नगरीय निकायों में 13,184 पद थे, अब 187 नगरीय निकायों में 24,956 पदों पे भर्ती होगी। अब कितनी पदों पे होगी? 24,956 पदों पे भर्ती होगी। 13,184 तो पहले थे, अब इसमें 11,772 नए पद और जुड़ गए हैं। कितने पद जुड़ गए? 11,772। टोटल कितना होगा? 24,956 पद होगा दोस्तों, थारी मौज होगी। वो बोल रहे थे ना कि सर पद बढ़ेंगे तब बढ़िया काम हो जाए, पद बढ़ जाए तो बढ़िया। अरे भगवान ने सुन ली तुम्हारी, तुम्हारे पद बढ़ गए। अब ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी को खींच दो मेरे दोस्तों। अब ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू से ही आपका सिलेक्शन है, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप बढ़िया प्रदर्शन दिखाओगे तो अच्छे नंबर पाओगे और सीधा सिलेक्शन में अपना नाम कमाओगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो पढ़ते हैं नोटिफिकेशन की बात। अब कुल 187 नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी के 11,772 नवीन पद सृजन की स्वीकृति और सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी कि अब आपके 11,772 नए पद भी इसमें जुड़ गए हैं। ठीक है साहब, इसी में जुड़ गए हैं या अलग से निकलेंगे? अरे अलग से नहीं निकलेंगे दोस्तों, इसी में जुड़ गए हैं। यानी कि आपके डाउट हो कि सर ये पद जो है ये अलग से निकलेंगे क्या? अलग से नहीं निकलेंगे दोस्तों, इसी में जुड़ गए। क्या हो गए? इसी भर्ती में जुड़ गए हैं, पहले वाली में ही जुड़ चुके हैं। अब देखो नगर पालिका है, कुछ नए पद क्या क्या जुड़े हैं वो मैं आपको कुछ कुछ बता देता हूं, बाकी आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। जयपुर ग्रेटर में एक भी पद नहीं बढ़ा है दोस्तों, जयपुर ग्रेटर में जीरो है, जितने थे उतने के उतने ही हैं। जयपुर हेरिटेज में 599 पद बढ़ गए हैं, जयपुर हेरिटेज में। अलवर में 635 बढ़ गए हैं, बहरोड में 66 पद नए बढ़ गए हैं, कोटपूतली में 76 पद नए बढ़ गए हैं, भिवाड़ी में 217 नए बढ़ गए हैं, भरतपुर में 343 नए बढ़ गए हैं, अजमेर में 322 नए बढ़ गए, बीकानेर में 916, सबसे ज्यादा पद बीकानेर में बढ़ा, 916 बढ़ गया। अब देख लो पहले वाले तो हैं ही, वो जितने भी हैं वो उसमें 916 और बढ़ गए नए पद। बीलाड़ा में जीरो, यानी कि जो बीलाड़ा है उसमें एक भी पद नहीं बढ़ा है साथियों, जीरो है, पहले थे जितने ही रहेंगे। शाहपुरा में तर्राण में बढ़ गए, खैरतल में 61 पद बढ़ गए, तिजारा में 52 बढ़ गए, विराट
नगर जिसको हम बैराठ बोलते हैं उसमें 57 पद बट गए हैं दोस्तों। नागौर में 160 बट गए, दौसा में 167 बट गए, झुंझुनू में 236, नीम का थाना में 63 बढ़े और सीकर में 470 बट गए हैं। ये पद बढ़े और भी बढ़े हैं दोस्तों, लेकिन वो पूरी की पूरी नोटिफिकेशन मैं आपको कहां पे डालूंगा, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, बांसुर रोजगार के टेलीग्राम पे आप देख लेना, उसमें पूरी नोटिफिकेशन है, बहुत सारे हैं, जितने वो देख लेना तुम, ठीक है, अपने अपने हिसाब से देख लेना भाई आपके कितने बड़े हैं कितने नहीं बड़े हैं। मैंने तो यहां मोटा मोटा बताया है, थोड़ा बहुत बताया है, बाकी आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब कोई चिंता की बात नहीं है, अब 24,956 पदों पर आपकी भर्ती होगी, इसी भर्ती में शामिल कर दिया गया है इन पदों को, अलग से नहीं बढ़ेंगे। तुम सोचो साहब अलग से भर्ती निकलेगी कि ना, एम आई जोड़ कर दिया पूरा 24,956, ठीक है साथियों। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, तो हम उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं जो भी हमारे साथी हैं वो सभी इसमें सिलेक्ट हो जाएं, गरीबों के घर में भी खुशियां छा जाएं, इस दीपावली की खुशियां उनके सिलेक्शन के बदौर खुशी पैदा करें, ये हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, भगवान से दुआ करते हैं। आप कामयाबी की राहों को चूम लो, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं दोस्तों। तो जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही भर्ती के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।